तेजी से बढ़ते हुए भारत में सरकार हर जगह इकोनॉमिक जोन बनाने का काम कर रही है ताकि इंडस्ट्रीज को बेहतर सुविधाएं मिल सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। पर आज हम आपको एक ऐसे इकोनॉमिक जोन के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसे बनाया है यहाँ के लोगों ने आपसी सहयोग और आपसी मेहनत से, और इसे भारत के पहले अपैरल पार्क के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार महिलाओं को मिला है। जी हाँ, तो आपको सीधे ले चलते हैं तमिलनाडु के तिरुपुर शहर और दिखाते हैं नेताजी अपैरल पार्क की खासियतें क्या है। हमारे अगले सेगमेंट देश बदल रहा है में। किसी भी इंडस्ट्री के विकास के लिए अच्छी सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। इस बात को समझते हुए सरकार सेज और इंडस्ट्रियल एरिया बनाने पर जोर देती है। इसमें इंडस्ट्रीज की जरूरतों का ध्यान रखते हुए सुविधाओं पर जोर दिया जाता है। भारत में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जिनकी अपनी एक खास पहचान और महत्व है। इन्हीं में से एक है तमिलनाडु के तिरुपुर शहर का नेताजी अपैरल पार्क। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक पार्क स्कीम अनाउंस किया था। उस टाइम हम लोग को सोचा ये तिरुपुर से पहले वो पार्क बनाया था 200 शेड में, वो छोटा छोटा था 25 सेंट्स में 4000 स्क्वायर फीट में। अभी सोचा हम बड़ा वाला बनाएगा 2 एकड़ और 4 एकड़ में, और शेड भी 25,000 स्क्वायर फीट 50,000 स्क्वायर फीट बना के सोच के फिर हम अप्रोच किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तिरुपुर में बढ़ते अपैरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2003 में इस पार्क की नींव रखी गई और जनवरी 2005 में तिरुपुर के लोगों, खास तौर से तिरुपुर के गॉडफादर कहे जाने वाले पद्मश्री डॉक्टर शक्तिवेल के प्रयासों से रिकॉर्ड 18 महीनों में ये अपैरल पार्क तैयार हो गया। हम लोग एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड है ना, उसको कम्पीट करने के लिए ये अपैरल पार्क बनाने के लिए सोचा था। जो एक्सपोर्टर्स में जो मेंबर्स है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इंटरनेशनल मेंबर्स, सबको इकट्ठा करके उन्हीं ने ये गवर्नमेंट स्कीम लेके इसको हम लोग बनाया 18 महीना में। करीब 170 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पार्क में लगभग 52 नेटवेयर यूनिट्स हैं, जिनमें 7 बड़े यूनिट्स भी हैं। नेताजी अपैरल पार्क 15,000 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार देता है। ये भारत का पहला और एकमात्र अपैरल पार्क है जो कि यहाँ की इंडस्ट्रीज के सहयोग से बनाया गया है। इस पार्क के बनने से यहाँ के अपैरल की क्वालिटी में इजाफा हुआ है जिससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिला है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्या क्या चाहिए वो सब कुछ हम लोग को दूसरा कंट्री में जाके दे के आया, उसके बाद ये बनाया। वो रोड्स वगैरह 30 feet to 60 feet रोड्स अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग्स। देन वी हैव मेड अ ओन पावर प्लांट एंड ईच देयर इज अबाउट 48 फ्लैट्स वर विद 2 acres एंड 4 फ्लैट्स विद 4 acres। एंड इफ यू सी दैट नेताजी अपैरल पार्क, द बायर्स हु कम्स दे आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड, दे से वी हैव नेवर सीन ऐसा पार्क, किधर भी नहीं देखा। नेताजी अपैरल पार्क को सारी आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जैसे कामगारों के लिए विशाल डाइनिंग हॉल, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए टॉयलेट की सुविधाएं, पार्किंग, सिक्योरिटी, बेहतर सड़कें, बिजली और शुद्ध पानी की व्यवस्था। बेहतर सुविधाओं के कारण यहां पर काम करने वालों को भी सहूलत रहती है। इसके पार्क के अंदर इतने फैसिलिटीज है, उधर लेबस चिल्ड्रन के लिए क्रीक बनाया, फिर उधर और अपना पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक बिग पान बनाया, उसका खुद हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़ा वाला वो पावर हाउस डाला। अभी देखिएगा, अभी सोलार प्लांट भी डाल रहा है, वो पूरा करंट सोलार करंट में हो जाएगा, फिर इको फ्रेंडली हो जाएगा। इस पार्क में काम करने वाले हुनरमंद कामगारों में लगभग 60% कामगार महिलाएं हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहां काम करना कितना सुविधाजनक है। कंपनियां इन महिला कामगारों को आने जाने के लिए बस की सुविधा भी प्रदान करती हैं। यहां पर आकर हर किसी को उसकी हुनर की क्षमता के अनुसार काम मिल जाता है।
यही कारण है कि आज यहाँ देश के दूर दराज राज्यों से लोग आकर काम कर रहे हैं और अपनी तकदीर संवार रहे हैं। ये सच है कि बेहतर माहौल से ही सुविधाएं मिलती हैं और बेहतर सुविधाएं तरक्की में सहयोग करती हैं। इस बात का जीता जागता सबूत है तिरुपुर का नेताजी अपेरल इंडस्ट्रियल पार्क। हर तरह की सुविधाओं से संपन्न होने के कारण आज तिरुपुर की पहचान देश विदेश में है। बेहतर क्वालिटी के अपेरल बनाने से यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो कि तिरुपुर और देश के विकास में सहयोग कर रहा है।